हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिम के पहले दिन में फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के टाइम पर चाहे लड़का हो या लड़की, हर कोई चाहता है कि उनकी फिट बॉडी रहे और यह फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात भी है। खास करके लड़कों में फ्रेंड्स जिम जाकर अच्छी बॉडी बनाने का फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड आजकल चल गया है। हर लड़के को सिक्स पैक, एब्स और बड़े बाइसेप्स चाहिए होते हैं ताकि फ्रेंड्स उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जिम जाने का मन बना ही लिया है तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिम करने से फ्रेंड्स आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आपकी पर्सनालिटी भी फ्रेंड्स सुधरती है, जिससे फ्रेंड्स आपके मसल्स बनते हैं और इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स आपकी बॉडी में ताकत भी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गंवाते हुए आपको बताते हैं कि जिम में पहले दिन आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वही नंबर वन है, जिम ट्रेनर से मिलें। तो फ्रेंड्स, जिस भी दिन आपका जिम का पहला दिन होगा उस दिन फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जाकर जिम ट्रेनर से जरूर मिलना चाहिए और फ्रेंड्स आपको अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में उनको बताना चाहिए और फ्रेंड्स आपको इस बारे में उनसे पूछताछ भी करनी चाहिए, या फिर फ्रेंड्स आप जिम के बारे में कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। यह इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स क्योंकि हम किसी ऐसे जिम में एडमिशन ले लेते हैं जहां पर कोई अच्छा ट्रेनर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स लड़के अपने मनमर्जी के मुताबिक फ्रेंड्स एक्सरसाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आप जिम ट्रेनर से जाके मुलाकात करें और उनको बताएं कि आपका गोल क्या है, आपको मसल्स बनाने हैं कि आपको वजन बढ़ाना है या घटाना है, या फिर फ्रेंड्स आपको केवल अपनी फिटनेस बनानी है। जब फ्रेंड्स आप इन बातों को उनसे शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स वह आपको अच्छे तरीके से गाइडेंस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वही नंबर टू है, खाली पेट जिम ना करें। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि आपको खाली पेट जिम करना चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। आपको कभी भी फ्रेंड्स पूरा खाली पेट जिम नहीं करना चाहिए। आपको जिम जाने से पहले कुछ हल्का फुल्का जरूर से खा लेना चाहिए, जिससे फ्रेंड्स आपको वर्कआउट करते समय एनर्जी मिले और फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस ना हो। आप जिम जाने से पहले फ्रेंड्स एक कटोरा दलिया और उसके साथ फ्रेंड्स दो केले खा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स दलिया में प्रोटीन होता है और केले में कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे फ्रेंड्स आपको जिम में वर्कआउट करते समय काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स एनर्जी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, वही नंबर थ्री है, वार्म अप करें। आपको अपना वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट का वार्म अप जरूर से करना चाहिए। इससे फ्रेंड्स आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो जाता है और फ्रेंड्स वार्म अप करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक्सरसाइज करते समय फ्रेंड्स इंजरी होने का भी खतरा नहीं होता है। वार्म अप करने से फ्रेंड्स आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और यदि फ्रेंड्स अगर आपसे कोई कहता है कि आपको डायरेक्ट जिम में जाकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए, तब तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल गलत है। इससे फ्रेंड्स आपको इंजरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको वार्म अप जरूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वही नंबर फोर है, हल्के वजन से एक्सरसाइज करें। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि आपको अच्छी बॉडी बनाने के लिए कितनी जल्दी पड़ी है और आप जल्द से जल्द एक बेहतरीन बॉडी बनाना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है फ्रेंड्स कि आप जिम में पहले दिन ही जाकर बहुत भारी वजन से एक्सरसाइज करो, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा करने से आपको उस दिन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अगले दिन फ्रेंड्स जब आप सोकर उठेंगे तब आपकी हालत 100% खराब हो जाएगी और फ्रेंड्स आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा दर्द होगी कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, पहले दिन आपको बिल्कुल हल्के वजन से एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वही नंबर फाइव है, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज ना करें। अब फ्रेंड्स, यह भी देखा गया है कि जो लोग पहले जिम जाते हैं उनमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जोश भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स वह लोग ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट कर देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको जिम के पहले दिन ही फ्रेंड्स बहुत कम एक्सरसाइज करना है। पहले दिन फ्रेंड्स आप आधा घंटा एक्सरसाइज करें और फिर फ्रेंड्स आप घर आ जाएं। इस आधे घंटे में फ्रेंड्स आपको केवल हल्के वजन से कम सेट ऑल रैप्स लगाने हैं और फ्रेंड्स आपको हर एक्सरसाइज के 5 से 6 रैप्स लगाने हैं। लेकिन याद रखें कि वजन बहुत हल्का होना चाहिए,
ताकि फ्रेंड्स आपको अगले दिन किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स वही नंबर 6 है, जिम ट्रेनर की बातों पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स जब हम पहले दिन जिम जाते हैं तब जिम ट्रेनर हमको कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है इसके बारे में जानकारी देते हैं, तब फ्रेंड्स आपको उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। हमने देखा है कि बहुत सारे लड़के जिम ट्रेनर की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और फ्रेंड्स जिम में जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बॉडी होती है उसकी तरह फ्रेंड्स एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि जिनकी बॉडी अच्छी होती है फ्रेंड्स वह बहुत सालों से एक्सरसाइज करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाता है फ्रेंड्स, तब जाकर उनकी इतनी अच्छी बॉडी बन पाती है। आपको हमेशा अपने जिम ट्रेनर की बातों पर ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स और उनके दिए गए वर्कआउट रूटीन को फ्रेंड्स फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था जिम में पहले दिन आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स धन्यवाद।